आप लोग धन्य हो। हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम। दूसरी बात, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलो, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय है। और वो पुण्य दिन होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना जिंदगी बार बार नहीं मिलती, अगर हम लोग अभी नहीं जागे आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान कर, अपने बड़े भाई के साथ जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, हम मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठे हैं। हम महाराज जी कितनी जगह खुदवाओ, हमसे बहुत पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवाओ, हम कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब हम जब तक धर्म विरोधी को खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। सब सनातनी, सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाँ बोलो, अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो फंडी कौन कौन मारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो फंडी कौन कौन मारेगा उनकी? अच्छा, और कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? आपको धन्य हो। हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम। दूसरी बात, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलो, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय है। और वो पुण्य दिन होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना जिंदगी बार बार नहीं मिलती, अगर हम लोग अभी नहीं जागे आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान कर, अपने बड़े भाई के साथ जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, हम मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठे हैं। हम कह रहे थे महाराज जी कितनी जगह खुदवाओ, हमसे बहुत पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवाओ, हम कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब हम जब तक धर्म विरोधी को खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। सब सनातनी, सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाँ बोलो, अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो फंडी कौन कौन मारेगा?
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो फटनी कौन कौन मारेगा उनकी? अच्छा, और कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में भगवान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? और से बोलो पक्का, जोश में कि हाश में? हाश में। अब सब हिंदू एक हो जाओ। कौन कौन विद्वान सनातनी बने हैं? लेकिन सनातनी तो हो ही, लेकिन अपने नाम के आगे अगर कोई पूछे तो जात पात का नाटक करो, हम सब हिंदू एक हैं ऐसा मुख्य।